हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई एम सौरभ, फैकल्टी फॉर कंप्यूटर साइंस। और आज हम 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करने वाले हैं ऑन रफ्तार सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड टीचिंग। ओके, तो इसमें आपको बताना था कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं गुड टीचिंग की, अच्छी टीचिंग की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। रिस्पॉन्सिव ह्यूमन इन्वायरमेंट टू फॉस्टर एक्सप्लोरेशन, एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिवनेस टू द चाइल्ड एंड द ग्रुप, देन नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मेंटेनिंग द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू द रिजिड टीचिंग प्लान। ओके, तो यहाँ पे जो है ये स्ट्रिक्ट अधेरेंस आपका नहीं होना चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे मतलब स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आपको ढलना चाहिए। तो आपका ये तो निगेटिव बन गया, ये नहीं होना चाहिए। बाकी रिस्पॉन्सिव ह्यूमन इन्वायरमेंट टू द फोस्टर एक्सप्लोरेशन, आपको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, यस इट इज पॉजिटिव थिंग। एंड आपको इस आपको गुड टीचिंग के लिए आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए। देन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिवनेस टू द चाइल्ड एंड द ग्रुप, जो चाइल्ड है आपके मतलब जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके प्रति आपको रिस्पॉन्सिवनेस भी आपका होना चाहिए। देन आपका सब्जेक्ट मैटर, आपका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ये भी एक पॉजिटिव बात है, ये भी अच्छी बात है, राइट, ये भी आपके टीचिंग में होनी चाहिए। देन मेंटेनिंग द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब आपके स्टूडेंट और टीचर इन दोनों के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी होनी चाहिए। तो ये चारों चीजें होनी चाहिए। सो ए बी सी डी आर करेक्ट आंसर, मींस ऑप्शन टू इज करेक्ट। चलो आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इज कॉल्ड। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी कहां से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किससे शो करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, तो आप जो है हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करके फ्रीक्वेंसी जो है शो करते हैं। ओके, बार चार्ट से आप जो है ऐसे बार चार्ट जैसे ही होते हैं हिस्टोग्राम, जिसमें आप फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप दिखाते हैं। ओके, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिखाया है हिस्टोग्राम का, जहां पे आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिख रही होगी और अराइवल्स पर मिनट। ओके, अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ दैट शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूमेरिकल डेटा यूजिंग द रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल का यूज करके आप फ्रीक्वेंसी शो करते हैं हिस्टोग्राम से। ओके, अगला क्वेश्चन, द रैंक डज इंडिया होल्ड ग्लोबली विथ रिस्पेक्ट टू नेट गेन इन द एवरेज एनुअल फॉरेस्ट एरिया बिटवीन ईयर्स 2010 एंड 2020। 2010 से लेकर 2020 में इंडिया का रैंक कितना था ग्लोबली, ओके, फॉर एवरेज एनुअल गेन इन एवरेज एनुअल फॉरेस्ट एरिया। ओके, सो आपका रैंक बना था थर्ड, और वन और फर्स्ट और सेकंड पोजिशन पे कौन थे, चाइना और रशिया। ओके, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 विच वॉज द कंडक्टेड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ऑफ यूनाइटेड नेशंस। द टॉप टू कंट्रीज in terms of net gain in average annual forest area between 2010 and 20 where China and Russia, China added an average of 5.2 million hectares of forest cover per year while Russia added an average of 0.8 million hectares of forest cover per year. Okay, aur third pe tha India. Chalo, so in क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, ये है मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। तो 60 स्टूडेंट्स का एक क्लास है जिसमें कि 20 गर्ल्स हैं और 40 आपके बॉयज हैं। सो वेट ऑफ द बॉयज इन द क्लास, एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन द क्लास आर 40 एंड व्हाइल द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इज 35, व्हाट इज द एवरेज वेट इन द क्लास ऑफ द एंटायर क्लास। तो कितना एवरेज वेट होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सारे बॉयज का वेट काउंट आउट करना होगा और सारी गर्ल्स का वेट काउंट करना होगा। बॉयज है हमारे पास, नंबर ऑफ बॉयज है हमारे पास 40, नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारे पास 20। सो वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ बॉयज कितना है,
टोटल वेट ऑफ बॉयज है हमारे पास 40 इंटू एवरेज वेट कितना है बॉयज का, एवरेज वेट है 40, सो 1600 हमारे पास टोटल जो है बॉयज का वेट हो गया। और टोटल वेट ऑफ गर्ल्स है हमारे पास, कितनी गर्ल्स है हमारे पास 20 गर्ल्स है, और हर गर्ल्स का वेट जो है एवरेज वेट है 35, सो टोटल है इनका बन गया 700। और टोटल क्लास का वजन कितना बन गया, टोटल टोटल वेट ऑफ गर्ल एंड बॉय आर 1600 प्लस 700 कितना बन गया 2300। ओके 2300। अब आपको क्या करना है, इनका एवरेज लेना है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60, सो एवरेज एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स टोटल क्लास बोलते हैं ऑफ क्लास इज इक्वल टू 2300 डिवाइड बाय 60 स्टूडेंट्स हैं, तो डिवाइड बाय 60 इक्वल टू 38.33, ओके 33.833 इतना आपका वेट बन गया, तो आंसर 2 इज करेक्ट। चलो अगले आगे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट नो सेंट्स आर मटेरियल्स, नो सेंट्स आर मटेरियल मींस इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, सेंट और यह है मटेरियलिस्ट, ओके मटेरियलिस्ट, ठीक है, तो इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, ओके सो ऐसा दिखाना है आपको, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, नो मटेरियल स्टिक्स आर सेंट, यस इट इज करेक्ट, सम मटेरियलिस्ट आर सेंट, अगर ये स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पे क्या होगा, ये सेंट है, ये मटेरियलिस्ट है, जो कुछ मटेरियलिस्ट हैं वो सेंट्स हैं, ऑल नॉन मटेरियलिस्ट आर नॉन सेंट, ओके तो जो सारे के सारे नॉन मटेरियलिस्ट है वो सारे नॉन सेंट है, ये भी गलत है, राइट मतलब ये भी गलत है, और सम मटेरियलिस्ट आर नॉन सेंट, तो ये भी गलत है, तो आंसर क्या बना आपका, ए बना, ठीक है आंसर ए बना। अगला क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स एसएसडीज आर कंसिडरेबली फास्टर देन हार्ड डिस्क ड्राइव्स व्हेन इट कम्स टू द डेटा एक्सेस, डेटा एक्सेस की बात करें तो आपकी एसएसडीज कंसिडरेबली फास्ट होती है, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, रैम इज मच फास्टर टू राइट और रीड फ्रॉम कंपैरिजन टू द सेकेंडरी मेमोरी सच एज हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में आपकी रैम जो है बहुत ज्यादा फास्टर होती है, ये आपको बताया, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम क्या होता है प्राइमरी मेमोरी होती है जहां पे हम एजुकेशन के लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं, राइट सो ये फास्टर होता है एज कंपेयर टू द हार्ड डिस्क, ओके हार्ड डिस्क से फास्ट होता है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। व्हाट इज द नेम ऑफ कंप्यूटिंग टर्म डिस्क्राइब्ड बिलो, ओके सॉफ्टवेयर दैट गिव्स द यूजर द चांस टू ट्राई इट आउट फ्री चार्ज बिफोर एक्चुअली बाइंग इट, इफ द सॉफ्टवेयर इज सब्जेक्ट टू यूजुअल कॉपीराइट लॉज एज अ रूल नॉट ऑल द फीचर्स फाउंड इन द फुल वर्जन ऑफ द अवेलेबल दिस एट दिस स्टेज, तो यहां पे क्या है शेयरवेयर यहां पे क्या होता है, फर्स्टली जो यूजर है उसको फ्री में एक्सेस दिया जाता है किसी ऐप का, किस लिए, ताकि वो आगे चल के आपको कुछ पैसा दे सके, ओके वो सॉफ्टवेयर कुछ दिनों बाद आपसे क्या मांगेगा, पैसा मांगेगा, चार्ज करेगा आपको सर्विसेज के लिए, सो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम शेयरवेयर बोलते हैं, ठीक है शेयरवेयर। अब फ्रीवेयर क्या होता है, जो हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, ओके कभी भी उसका पैसा आपको देना नहीं पड़ता है। फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी रोम में स्टोर होता है, और मतलब जैसे इनेबल सॉफ्टवेयर एम्बेडेड डिवाइसेस है, ओके जैसे आपकी वॉशिंग मशीन हो गया, आपका माइक्रो ओवन हो गया, तो यहाँ पे जो रोम होता है उसके अंदर स्टोर्ड जो सॉफ्टवेयर है उसे हम फर्मवेयर कहते हैं, या फिर आपका अगर हम बात करें
कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में जो फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है होता है उसे हम फर्मवेयर कहते हैं, जो कि स्टोर होता है आपके रोम के अंदर। ओके, तो ये है फर्मवेयर। अगर मैलवेयर की बात करें तो इसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। मैलवेयर मीन्स मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाता है, आपके डेटा को हार्म पहुंचाएगा, आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाएगा, राइट। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, शेयरवेयर, जो कि पहले तो आपको फ्री में दिया जाएगा, फिर बाद में आपसे पैसे चार्ज करे जाएंगे। ओके, कुछ दिनों बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर रिकमेंडेशंस ऑफ द राधा कृष्णन कमीशन, द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी इन रीजनल लैंग्वेज। यस, राधा कृष्णन कमीशन बोलता था कि जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, ये आपकी रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर होना चाहिए। इमीडिएट स्टेप शुड बी टेकन टू प्रिपेयर द साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज इन द फेडरल लैंग्वेजेस। यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। राधा कृष्णन कमीशन जो है साइंटिफिक और टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करता था, ये भी करेक्ट है। ऑल द फेडरल लैंग्वेजेस मस्ट बी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ओके, उसके बाद द इंटरनेशनल एंड साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज वर्ड शुड बी अवॉइडेड। तो ये नहीं कहता था कि आपको इंटरनेशनल की ओर नहीं जाना है, राइट, नेशनलाइजेशन की ओर ही रहना है, सिर्फ इंटरनेशनल पे भी ये फोकस करता था, तो ये गलत है, ये अवॉइडेड बोल रहा है, नहीं है, राइट। इंग्लिश शुड बी बैनिश्ड फ्रॉम द हायर एजुकेशन फील्ड इन द इंडिया इमीडिएटली। तो ये इंग्लिश को बैन करने के लिए नहीं बोलते थे, मतलब यहाँ पे क्या है, एबीसी इज करेक्ट आंसर। ओके, एबीसी इज करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनईपी 2020। एनईपी 2020 के कॉन्टेक्स्ट में दो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। हाई परफॉर्मिंग इंडियन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज विल बी इनकरेज टू सेट अप द कैंपसेस इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। जो अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज को हम चांस देंगे कि वो अब्रॉड भी उनके कैंपसेस खोल सके, ये करेक्ट है। सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज फ्रॉम अमॉन्ग टॉप 500 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड विल बी फैसिलिटेड टू ऑपरेट इन इंडिया, ये भी करेक्ट है। जो भी कुछ टॉप 500 यूनिवर्सिटीज है, इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज को हम इंडिया में भी जो है यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए फैसिलिटेट करेंगे। तो बोथ आर करेक्ट आंसर्स, करेक्ट स्टेटमेंट्स। फीडबैक इज इमीडिएट इन, फीडबैक कहाँ पे इमीडिएट होता है, इन प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और टॉप डाउन, किस अप्रोच में जो है, या फिर फेस टू फेस। तो फेस टू फेस जो अप्रोच है, जहां पे आप दो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है फेस टू फेस, वहां पे फीडबैक आपको इमीडिएट मिल सकता है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, फेस टू फेस। चलो, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुए ऑफ रफ्तार सीरीज। अगर आप यूजीसी नेट के लिए फ्री में पढ़ना चाहते हैं बैचेस, तो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं प्राइम क्लासेस। ओके, फ्री में रहेंगे, पेपर वन आप पढ़ सकते हैं, जो कि स्टार्ट होने वाले हैं अप्रैल 15 अप्रैल से। ओके, 15 अप्रैल के आगे ये चलेंगे। आज ही जाकर आप ifasonline.com पे रजिस्टर कर सकते हैं इसके लिए, और लर्न फ्री के सेक्शन में आपको ये प्राइम क्लासेस देखने को मिल सकती हैं। ओके, और ये भी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए आपके मोबाइल के अंदर ifas का, जहाँ पे आपको प्राइम क्लासेस, रिकॉर्ड लेक्चर, रैंकर स्ट्रेटेजी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टीचर हैंडआउट, PYQs, पेपर एनालिसिस, ये सारी बातें फ्री में अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, ये है हमारे टॉपर्स, इनमें आप अपना भी एक नाम रजिस्टर करवाएंगे हमारे साथ जुड़कर ifasonline.com इस वेबसाइट के ऊपर। ओके, तो इसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। कैसे डाउनलोड करना है, इस QR कोड को स्कैन करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए वेरी हैप्पी लर्निंग।